नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है। जी फोर गाइड में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ सीखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जी फोर गाइड को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले ट्रिक्स वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जी फोर गाइड में आपका फिर से मैं गोविंद स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही दमदार होने वाला है। आज का टॉपिक उन सभी ड्रोन प्रेमियों के लिए है जो ड्रोन फ्लाई करते हैं और अनजाने में ही अपना ड्रोन को क्रैश कर देते हैं। आज का टॉपिक उन सभी भाइयों के लिए है जो अपने ड्रोन को क्रैश होने से बचाना चाहते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, मैं आपके सारे सवालों का इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। टॉपिक बाय टॉपिक सारे प्रॉब्लम को इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। कैसे आपका ड्रोन क्रैश से बचाया जा सकता है, कैसे किस किस कारणों से आपका ड्रोन क्रैश होता है, किस कारणों से आपकी ड्रोन की बैटरी खराब होती है, कैसे हम ड्रोन की बैटरी को स्टोरेज मोड पे रख सकते हैं, कब कब कितने परसेंटेज बैटरी पे हमें ड्रोन की बैटरी को हमें रखना चाहिए और ड्रोन की बैटरी को कब कब चार्ज करना चाहिए, जीपीएस का ड्रोन के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जायरो क्या होता है, कंपास क्या होता है, कंपास कैलिब्रेशन क्यों जरूरी है, आरएफ मॉड्यूल का क्या काम होता है, हमारा ड्रोन एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता है, ड्रोन को किस पोजीशन पे रखे, ड्रोन के रिमोट को किस पोजीशन पे रखे ताकि रेडियो सिग्नल है, इमेज ट्रांसमिशन सिग्नल है वो हमारा बरकरार रहे और हमें ड्रोन क्रैश होने के प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल सके। तो अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। हर एक वीडियो होगा एक टॉपिक के लिए जिसमें हम डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आप घर पे ही अपने ड्रोन की केयर कर सकते हैं। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ड्रोन में जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है, अपडेट रिलेटेड होता है, वो आपको हम बताएंगे कैसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं, कैसे आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप गिम्बल कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कैसे आपको गिम्बल कैलिब्रेशन के टाइम ड्रोन की पोजीशन को रखना है, कैसे आप आईएमयू के को कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप फ्लाइट कंट्रोलर को कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कैसे आपको रिमोट कंट्रोलर को कैलिब्रेशन करना है जिससे बार बार बीप की साउंड आती है वो बीप की साउंड ना आए, किस प्रकार से आपको ड्रोन टेकअप करना है, कैसे आपको ड्रोन लैंडिंग करना है, कौन कौन से प्रोपेलर का आपको यूज़ करना चाहिए और कौन से प्रोपेलर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद।